और इसको बदलने के लिए आपको 3 नंबर का एलंकी चाहिए। ये 3 नंबर एलंकी से ये पुराना वाला एक्सलेटर है हमारे पास जो ये खराब हो चुका है, काम ये रुक जा रहा है, तो मैं आपको बदल कर दिखाऊंगा आपको कैसे बदलना है। इसको आप एलंकी को इसमें डालेंगे और इसे घुमाएंगे, तो इसी तरह मैं इसको खोलूंगा। मैं देखिए जैसे मैंने इसको घुमा के खोल लिया, अब ये अभी थोड़ा इसको पूरा खोल लेना है ताकि पूरा फ्री हो जाए। ठीक है, देख सकते हैं मैंने इसको निकाल दिया। अब देखिए कि इसका तार कहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर इसका तार जा रहा होगा दिखाइए जरा पास से, देख सकते हैं दोस्तों ये रहा इसका प्लग, इसमें दो प्लग गया, एक वाला होगा एक वाला येलो वायर वाला होगा और ये जो एक है प्लग में 3 वायर होंगे, इसमें रेड ब्लैक और ग्रीन होगा। तो आपको दोनों को ही निकाल लेना है इस तरह, इसमें दबाव लोक होता है इस तरह। आप ये देख सकते हैं ये पुराना वाला एक्सलेटर है, इसको हमने निकाल लिया। अब इसकी जगह हम नया एक्सलेटर लगाएंगे, कर रहा हूँ आप ये करना, इसे हम अपने अपने इसके आप देख लेंगे ये ब्रेक कहीं रुक तो नहीं रहा, यहाँ लोग अगर आप यहाँ लगाते हैं तो आपका ये ब्रेक रुक सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा इसको नीचे कर लें और इसको एलंकी से हम टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने टाइट कर दिया इसको,